नमस्कार। ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय 15A अनूपगढ़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम BSc फाइनल ईयर के लिए हमारी जो कंटिन्यू यूनिट चल रही थी उस यूनिट को ख़त्म करेंगे। इस यूनिट का लास्ट पार्ट HSAB इस पार्ट को हम यहाँ पर आज कंप्लीट कर रहे हैं और इसी के बारे में हम स्टडी करेंगे, HSAB क्या होता है। इससे पहले हम इस यूनिट से संबंधित काफ़ी जो थ्योरीज हैं, कुछ कंसेप्ट्स हैं, कुछ रिएक्शंस हैं, कुछ ग्राफ्स हैं, उन ग्राफ्स के बारे में बात कर चुके हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने मैकडोनियल ग्राफ के बारे में बात की थी कि मैकडोनियल ग्राफ क्या होता है और किस तरीके से इसको बनाया जाता है। आज हम बात करेंगे HSAB सिद्धांत के अनुप्रयोग के बारे में, जिसके कुछ मुख्य जो पार्ट्स हैं उनके बारे में कल हम बात कर चुके थे। देखिए, इसके कई सारे अनुप्रयोग हैं, जिनमें से मुख्य मुख्य अनुप्रयोग कुछ जो हमारे लिए काम के हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। जैसे सबसे पहले हमने इस पहले को किया था, यौगिकों के बनने की संभावना, जिसमें हमने CSF और LIF में से कौन ज्यादा बनेगा और क्यों बनेगा, कठोर कठोर मृदु मृदु अंतरक्रिया के कारण बनेगा, उसके बारे में बात की थी। ये हम कल कर चुके हैं। नेक्स्ट हमने बात की थी विषमांगी उत्प्रेरण क्या होता है। विषमांगी उत्प्रेरण में जो सॉफ्ट मेटल्स होती हैं वो सॉफ्ट बेसिस का अवशोषण करती हैं। नेक्स्ट हमने बात की थी कठोर विलायक जो होते हैं उनमें कठोर विलय विलयशील होते हैं, जबकि मृदु विलायकों में मृदु विलय विलयशील होते हैं। तो इन तीन पॉइंट्स के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं इसके फोर्थ अनुप्रयोग के बारे में। फोर्थ इसका जो अनुप्रयोग है वो है प्रकृति में खनिजों की प्राप्ति। प्रकृति में बहुत प्रकार के खनिज पाए जाते हैं और कौन सा खनिज किसके साथ में पाया जाएगा, किस तरीके से पाया जाएगा, उसका भी कुछ अंदाजा हम इस HSAB सिद्धांत के आधार पर लगा सकते हैं। जैसे प्रकृति में धातुओं की प्राप्ति इस नियम के अनुसार ही होती है। एग्जाम्पल के लिए, जो कठोर प्रकार के धातुएं होंगी वो कठोर प्रकार के क्षारों के साथ मिलकर और उन्हीं के लवण का निर्माण करेंगी, और जो मृदु प्रकार की धातुएं होंगी वो मृदु प्रकार के क्षारों के साथ मिलकर उन्हीं के जो लवण है उनका निर्माण करेंगी। तो जिससे हमें पता चल सकता है कि जो धातु है वो कहाँ पर पाई जाएगी और किस फॉर्म में पाई जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं Ca+2, Mg+2 और Al+3 के बारे में। Ca+2 के बारे में अगर हम बात करें Mg+2 के बारे में और अगर हम बात करें Al+3 के बारे में, तीनों की तीनों जो होती हैं ये कठोर प्रकार की अम्ल होती हैं। तीनों धातुएं हैं कठोर प्रकार की अम्ल होती हैं, ठीक है। अब ये किसके साथ जुड़ेंगी, ये तीनों के तीनों क्या हैं, ये तीनों के तीनों कठोर प्रकार के अम्ल होते हैं। तो ये किसके साथ जुड़ने को प्रायिकता देते हैं, ये जुड़ने को प्रायिकता देते हैं कठोर प्रकार के क्षार के साथ में। फॉर एग्जाम्पल, कौन कौन से जुड़ सकते हैं, O-2 के साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा ये जुड़ सकते हैं CaCO3-2 के साथ जुड़ सकते हैं, सॉरी CO3-2 के साथ जुड़ सकते हैं, अर्थात ये कार्बोनेट के साथ जुड़ सकते हैं, ऑक्साइड के साथ जुड़ सकते हैं। और सामान्यतः हम देखते भी हैं कि जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम कैल्शियम ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है, जिसमें ये O-2 जो कि एक कठोर प्रकार का क्षार है उसके साथ जुड़ा हुआ है। इसके अलावा ये पाया जाता है CaCO3 के रूप में, जिसमें ये CO3-2 मतलब कार्बोनेट जो एक कठोर प्रकार का क्षार है उसके साथ में जुड़ा हुआ है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें Al के बारे में, तो Al भी इसी तरीके से हम ये पढ़ते हैं Al2O3, इसके साथ में भी जुड़ा होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन -2 है और -2 है और ये कठोर प्रकार का क्षार है। ये क्या है, ये HA है, HA का मतलब है हार्ड प्रकार का एसिड है, और ये क्या है, ये HB है, HB का मतलब है हार्ड प्रकार का बेस है। तो हार्ड प्रकार का एसिड हार्ड प्रकार के बेस के साथ जुड़ता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि कौन सी धातु ऑक्साइड के रूप में अधिकतर पाई जाएगी और कौन सी धातु कार्बोनेट के रूप में अधिकतर पाई जाएगी। अब ये तो हो गए इसके एग्जाम्पल। उसके बाद में अगर हम बात करें, ये तो कठोर के एग्जाम्पल हैं, उसके बाद में अगर हम मृदु के बारे में बात करते हैं तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। देखिए,
एग्जाम्पल के लिए मृदु धातुएं कौन सी हैं? Cu प्लस है, उसके अलावा Ag प्लस है, उसके अलावा Hg प्लस 2 है। ये सारी की सारी क्या होती हैं? मृदु प्रकार की धातुएं होती हैं। कौन सी धातु होती है? मृदु प्रकार की धातु होती है, सॉफ्ट प्रकार की मेटल होती है। तो मृदु प्रकार की धातु किसके साथ जुड़ने को वरीयता देती है? ये जुड़ती है सॉफ्ट प्रकार के जो कंपाउंड है, सॉफ्ट प्रकार के जो क्षार हैं उनके साथ। एग्जाम्पल के लिए S-2 इसके साथ, S-2 के साथ जुड़ने को प्रायिकता देती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर हम यहां पर बात करें Cu 2S के रूप में पाया जाता है, HgS के रूप में पाया जाता है, तो ये सल्फाइड है, गैलेना वगैरह बोलते हैं, PbS को गैलेना बोलते हैं, HgS, तो ये सब जो ये सल्फाइड जो होते हैं, ये जो मृदु प्रकार की धातुएं होती हैं वो सल्फाइड के रूप में पाई जाती हैं, क्योंकि ये क्या है? मृदु प्रकार के क्षार हैं। तो इसके आधार पर हम ये बता सकते हैं कि कठोर प्रकार की धातुएं, एग्जाम्पल के लिए कैल्शियम हो गया, इसके अलावा एल्युमिनियम हो गया, इसके अलावा मैग्नीशियम हो गया, ये तो कठोर प्रकार के क्षारों के साथ ज़्यादा पाई जाएंगी, उनके एसकों के रूप में पाई जाएंगी, उनके ऑक्साइड्स कार्बोनेट के रूप में पाई जाएंगी। और जो मृदु प्रकार की धातुएं हैं ये सल्फर के सल्फाइड्स के साथ में पाई जाएंगी। इसके अलावा निकल प्लस 2, पीबी प्लस 2, कॉपर प्लस 2 जैसे मध्यवर्ती आयन सल्फाइड और कार्बोनेट दोनों के साथ पाए जा सकते हैं। अब ये जो है ये तो पाई जाएंगी कठोर के साथ में, ये पाई जाएंगी मृदु के साथ में, और ये मध्यवर्ती होती हैं, जैसे Ni प्लस 2 मध्यवर्ती है, Pb प्लस 2 मध्यवर्ती है, और Cu प्लस 2 मध्यवर्ती है। एग्जाम्पल के लिए अगर अपने कॉपर के बारे में बात करें तो क्यूप्रिक कार्बोनेट भी होता है, मतलब कॉपर इसके साथ भी पाया जा सकता है, CuCO3 का निर्माण भी कर सकता है, और कॉपर Cu2S का निर्माण भी कर सकता है, तो इस तरीके से ये, या CuS का निर्माण भी कर सकता है, तो इस तरीके से पाए जाते हैं यहाँ पर अलग अलग प्रकार में मध्यवर्ती जो होते हैं। तो हम रुएक्चा से भी सिद्धांत है उसके आधार पर विभिन्न प्रकार के खनिजों की प्रकृति में उपलब्धता के बारे में या किसके साथ वो पाए जाएंगे उसके बारे में भी बता सकते हैं। नेक्स्ट और सबसे महत्वपूर्ण है समकोल यौगिकों का स्थायित्व। एचएसएबी सिद्धांत के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कौन सा संकुल स्थायी होगा और कौन सा नहीं। तो संकुल में एक सिंपल सा कंसेप्ट होता है, संकुल के स्थायित्व में दो प्रकार के संकुल होते हैं, एक होता है स्थायी प्रकार का संकुल, मतलब जो संकुल स्थायी होगा, एक संकुल कौन सा होगा? स्थायी प्रकार का संकुल होगा, और एक कौन सा संकुल होगा? अस्थायी प्रकार का संकुल या कॉम्प्लेक्स होगा। तो स्थायी प्रकार के संकुल के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, हार्ड एसिड प्लस हार्ड बेस या सॉफ्ट एसिड प्लस सॉफ्ट बेस, ठीक है, इनसे मिलकर बने हुए जो भी संकुल होंगे वो क्या होंगे? स्थायी होंगे। और हार्ड एसिड प्लस सॉफ्ट बेस और सॉफ्ट एसिड प्लस हार्ड बेस, इनसे मिलने वाले संकुल क्या होंगे? अस्थायी प्रकार के होंगे। तो सामान्य तरीका है ये संकुलों में स्थायित्व को बताने का, संकुल स्थायी या अस्थायी होगा इसका अंदाजा हम एचएसएबी सिद्धांत के आधार पर बता सकते हैं। ऐसे संकुल जो कि कठोर कठोर या मृदु मृदु अंतरक्रिया से बनते हैं वो स्थायी होते हैं, जबकि ऐसे संकुल जो कि कठोर कठोर, कठोर मृदु और मृदु कठोर अंतरक्रिया से बनते हैं वो अस्थायी प्रकार के होते हैं। इसके एग्जांपल्स भी यहाँ पर हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। देखिए देखिए उदाहरण के लिए जो संकुल कठोर अम्ल व कठोर क्षार के संयोग से अथवा मृदु अम्ल और मृदु क्षार के संयोग से बनता है वह संकुल स्थायी होगा, जबकि कठोर अम्ल और मृदु क्षार या मृदु अम्ल और कठोर क्षार से बना संकुल अस्थायी होगा। उदाहरण के लिए AgI2- ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, AgI2- स्थायी आयन है जबकि AgF2- का अस्तित्व नहीं होता, अर्थात ये अस्थायी प्रकार का आयन होता है। तो इसे किसके आधार पर समझाया जा सकता है? इसे समझाया जा सकता है HSAB सिद्धांत के आधार पर। कैसे? देखिए यहाँ पर ये बताया गया है कि AgI2- क्या होता है? स्थाई होता है। जबकि जब हम बात करते हैं AgF2-
माइनस के बारे में, तो ये क्या होता है, अस्थाई होता है। सामान्य नियमों को देखें तो हमें यह लगता है कि HeF2 ज्यादा स्थाई होना चाहिए क्योंकि इनकी विद्युत ऋणात्मकताओं में पर्याप्त अंतर होता है, जबकि AgI2 जो है वो कम स्थाई होना चाहिए क्योंकि इनकी विद्युत ऋणात्मकताओं में बहुत कम अंतर है। लेकिन वास्तविकता में हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कंसेप्ट कौन सा काम कर रहा है, वो कंसेप्ट है HSAB। उसका रीजन क्या है, Ag यहाँ पर क्या है, सॉफ्ट प्रकार का एसिड है, और I यहाँ पर क्या है, सॉफ्ट प्रकार का बेस है, तो इन दोनों में इंट्रैक्शन होगी और इससे किसका निर्माण होगा, स्थाई प्रकार के संकुल का निर्माण हो जाएगा। तो वही यहाँ पर दे रखा है उदाहरण पहला, AgI2- स्थाई आयन है जबकि AgF2 का कोई अस्तित्व नहीं होता, इसे HSAB सिद्धांत के अनुसार समझाया जा सकता है। Ag+ क्या है, मृदु प्रकार का धन आयन है, ऊपर भी हमने इसी के बारे में बात की थी, और मृदु ऋणायन I- के साथ ये स्थायी संकुल का निर्माण करवाएगा, जबकि F- क्या होता है, कठोर प्रकार का, इसलिए इसका संकुलन पॉसिबल ही नहीं है, इस वजह से ये बनता ही नहीं। तो यहाँ पर इसका एग्जांपल भी दे रखा है कि Ag+ जो कि एक मृदु अम्ल है, वो 2I- या I2- मृदु क्षार के साथ में रिएक्ट होता है और AgI2- स्थायी संकुल का निर्माण करता है। नेक्स्ट, Ag+ जो एक मृदु अम्ल है, वो 2F- नामक कठोर क्षार के साथ में, देखो यहाँ पर मृदु और कठोर की अंतर्क्रिया है, ऊपर वाली अंतर्क्रिया मृदु और मृदु की है, सॉफ्ट प्लस सॉफ्ट की है, नीचे वाली अंतर्क्रिया मृदु प्लस कठोर की है, सॉफ्ट प्लस हार्ड की है, तो इससे अस्थाई प्रकार के संकुल का निर्माण होगा। इसी चीज को हम बार बार कर रहे हैं कि अगर कोई अंतर्क्रिया कठोर कठोर के बीच में होती है तो वो ज्यादा स्थायी होती है, अगर कोई अंतर्क्रिया मृदु मृदु के बीच में होती है तो वो ज्यादा स्थायी होती है, जबकि अगर कोई अंतर्क्रिया कठोर मृदु या मृदु कठोर के बीच में होती है तो वह स्थायी नहीं होती। तो इसके आधार पर हम इस पहले एग्जाम्पल को सिद्ध कर सकते हैं। अब इसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जांपल देखिए, CoF6-3- कठोर अम्ल Co+3 और कठोर क्षार F- का संकुल होता है, CoF6-3- कठोर अम्ल Co+3 और कठोर क्षार F- का संकुल होता है, जबकि CoI6-3- कठोर अम्ल Co+3 और मृदु क्षार I- का संकुल है। अब इसमें यहां पर देखो क्या चीज है कि CoF6 जो है, यहाँ पर एक इसी कंसेप्ट को और तरीके से समझाया गया है, CoF6 तो क्या है, स्थाई है, जबकि इसने कहा है CoI6 क्या है, अस्थाई है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि यहाँ पर ये क्या है, हार्ड प्रकार का एसिड है, ये क्या है, हार्ड प्रकार का बेस है, तो ये दोनों आपस में मिलेंगे और हम ये जानते हैं कि हार्ड हार्ड या सॉफ्ट सॉफ्ट टाइप की अंतर्क्रिया ज्यादा प्रभावी होती है, इसी वजह से स्थाई हो जाएगा। नीचे देखिए ये क्या है, ये एक हार्ड प्रकार का एसिड है प्लस सॉफ्ट प्रकार का बेस है और इन दोनों की अंतर्क्रिया प्रभावी नहीं होती, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, अस्थाई प्रकार का संकुल हो जाएगा। तो कुछ संकुलों के स्थायित्व को भी हम किसके आधार पर बता सकते हैं, HSAB सिद्धांत के आधार पर बता सकते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला इसका अंतिम क्या है, इसी तरीके से कैडमियम के संकुल के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है, इसी तरीके से कैडमियम के संकुल के बारे में हम यहां पर बात करते हैं। कैडमियम के दो प्रकार के संकुल हैं, जिसमें से एक संकुल है CdNH3 की 4 2+, और एक जो हमारे पास संकुल है वो है CnCN की 4 2-, यहाँ पर 2+ है क्योंकि NH3 जो होता है उसके प्रवेश होता ही नहीं, और यहाँ पर CN4 है तो CN का -1 होता है, तो -1 से -4 तो इसका हो गया, +2 इसका हो गया, ये दोनों कैंसिल हुए तो -2 आ गया, और यहाँ पर अकेला CD का होता है, ठीक है। तो ये तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की छोटी सी थ्योरी है, उसको आप आसानी समझ सकते हो। अब इनमें से ये कहा गया है कि ये वाला ज़्यादा स्थायी होता है, ये वाला क्या है, स्थाई है, और ये वाला क्या है,
अस्थाई है, ऐसा क्यों, उसको भी देखते हैं अपने। देखिए यहां पर जो सीडी है, सीडी एक सॉफ्ट प्रकार का एसिड है, मृदु प्रकार का अम्ल है, जिसका बंधन किसके साथ में है, जिसका बंधन है सॉफ्ट प्रकार के बेस के साथ में, तो यहां पर इंटरेक्शन हो रही है सॉफ्ट एसिड प्लस सॉफ्ट बेस, जिसको हम सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन बोलते हैं। तो सॉफ्ट सॉफ्ट अंतरक्रिया होने के कारण ये ज्यादा स्थाई है, जबकि ऊपर वाला जो है कठोर मृदु अंतरक्रिया होने के कारण कम स्थाई होता है। अब हम इसका एग्जाम्पल लेंगे, ये प्रबल है, इसी यहां पर ये मृदु अम्ल है, ये कठोर क्षार है, कम स्थाई संकुल, क्योंकि ये मृदु हो गया और ये कठोर हो गया, तो कठोर मृदु अंतरक्रिया प्रभावी नहीं होती, या तो कठोर कठोर अंतरक्रिया प्रभावी होगी या मृदु मृदु अंतरक्रिया प्रभावी होगी। ये मृदु अम्ल है, मृदु क्षार है, आपस में दोनों स्थाई संकुल का निर्माण करेंगे। नेक्स्ट देखिए हाइड्रोजन अम्लों का स्थायित्व, हाइड्रोजन अम्लों का आपेक्षिक सामर्थ्य बीसी के आधार पर बताया जाता है। हाइड्रोजन अम्ल का मतलब होता है, ये सभी के सभी हाइड्रोजन अम्ल होते हैं, HCl, HBr, HI एंड HF, ठीक है, ये सारे के सारे हाइड्रोजन अम्ल होते हैं, ठीक है। अब इनका अम्ल सामर्थ्य किसके आधार पर बताया जा सकता है उसको अपने देखते हैं। हाइड्रोजन अम्लों के आपेक्षिक अम्ल सामर्थ्य को HCl सिद्धांत के आधार पर समझाया जा सकता है। हैलाइड आयनों के लिए जो कठोरता का घटता क्रम है वो देखो, ये F- सबसे ज्यादा कठोर है, उसके बाद में Cl- है, उसके बाद में Br- है, और उसके बाद में I- है। ये क्या है, कठोरता का क्रम है, मतलब हैलोजन के लिए कठोरता का क्रम होता है। देखिए अब देखिए हम ये कह रहे हैं सामान्य तौर पर ये सबसे ज्यादा स्थायी होता है, मतलब इसकी आपेक्षिक सामर्थ्य सबसे ज्यादा होता है, और ये सबसे कम स्थायी होता है, अस्थायी तो नहीं कह सकते इसको, इसको हम बोलते हैं कम स्थायी, ठीक है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है कि H यहां पर, H प्लस यहां पर क्या है, हार्ड एसिड, ठीक है, प्लस F माइनस यहां पर क्या है, हार्ड बेस है, तो इन दोनों के बीच में जो इंट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, हार्ड हार्ड इंट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, स्थायी, ठीक है। F- Cl- Br- I- अतः प्रोटॉन H+ एक कठोर अम्ल के साथ बंधन की सामर्थ्य भी इसी क्रम में घटेगी, अर्थात जलीय माध्यम में वियोजित होने की क्षमता इस क्रम में बढ़ेगी, अतः हाइड्रोजन अम्लों की अम्ल सामर्थ्य का बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा, HF के बाद में HCl के बाद में HCl और उसके बाद में HF। ये अम्ल सामर्थ्य है, आपेक्षिक स्थायित्व नहीं है, स्थायित्व इसका ज्यादा होगा और सामर्थ्य इसकी ज्यादा होगी, क्योंकि H+ जितनी जल्दी किसी से निकलेगा उसके अम्ल की पावर उतनी ही ज्यादा होगी, तो क्योंकि ये सबसे कम स्थाई है तो आसानी से H+ को बाहर निकाल देता है। नेक्स्ट है धातु उत्प्रेरकों का क्षार, धातु उत्प्रेरकों का विषाक्तन, देखिए पॉइजनिंग ऑफ मेटल कैटलिस्ट्स, देखो प्लेडियम और प्लेटिनम धातु जो उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ओलिफिन डबल बॉन्डेड, फास्फोरस और आर्सेनिक लिगैंड के कारण विषाक्त होकर समाप्त हो जाते हैं। इसके कारण को HCl सिद्धांत के आधार पर समझाया जा सकता है, क्योंकि PD और PT ये क्या होते हैं, ये सॉफ्ट प्रकार के एसिड हैं, और CO या ओलिफिन वगैरह भी क्या होते हैं, सॉफ्ट प्रकार के बेस होते हैं, तो ये आसानी से इसके साथ रिएक्शन कर देते हैं, ठीक है। ये धातु मृदु है और CO और बाकी सभी आर्सेनिक वगैरह क्या होते हैं, मृदु प्रकार के क्षार होते हैं, तो इनके ऊपर आसानी से अवशोषित हो जाएंगे, और अवशोषित होकर जो इनके ऊपर सक्रिय पॉइंट होते हैं, मतलब जहां से ये उत्प्रेरक का कार्य करेंगे वहां पर आके मान लो CO जुड़ गया, तो अब जुड़ गया CO, लेकिन जुड़ना किसको था, अभिकारक को, अभिकारक को जुड़ने के लिए जगह नहीं बची, तो अभिकारक को जुड़ने के लिए जगह नहीं बची, तो इनका जो ये ब्लॉक हो जाएगा सक्रिय केंद्र, और सक्रिय केंद्र के ब्लॉक होने से इनकी प्रेरक क्षमता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट है HCl सिद्धांत के आधार पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में SN1 और SN2 की वेग और उनके उत्पादन की प्रकृति को भी समझाया जा सकता है।
उसके बाद उभय दंतुक लिगैंड के साथ बनने वाले संकुलों के स्थायित्व को किस प्रकार से समझाया जाएगा अच्छा सेवी सिद्धांत में, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, उभय दंतुक लिगैंड वो होता है जो दोनों तरफ से जुड़ सकता है, ठीक है। देखिए, लिगैंड सबसे पहले क्या है, लिगैंड वह होता है जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देकर एक सहसंयोजक प्रकार का यौगिक बनाता है। किसी लिगैंड में यदि इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने वाले परमाणुओं की संख्या एक से अधिक हो, कोई ऐसा लिगैंड है जो दोनों तरफ से जुड़ सकता है, तभी उसमें एक से अधिक प्रकार के परमाणु पाए जाएंगे। अगर किसी लिगैंड में जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने वाले दाता परमाणु है उनकी संख्या एक से अधिक होती है तो वो क्या कहलाता है, उभय दंतुक प्रकार का लिगैंड कहलाता है। उदाहरण के लिए थायोसाइनेट, थायोसाइनेट में दो चीजें होती हैं, एक होता है सल्फर, एक होता है नाइट्रोजन, और ये दोनों ही लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं क्योंकि सल्फर पर भी पाए जाते हैं, नाइट्रोजन पर भी पाए जाते हैं। सल्फर अपना इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करेगा तो थायोसाइनेट बनेगा, लेकिन नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा तो उसको आइसोथायोसाइनेट बोलते हैं, मतलब SCN जुड़ेगा, तो ये क्या होगा, ये होगा थायोसाइनेट, थायोसाइनेट। और अगर NCS जुड़ेगा तो ये होगा आइसोथायोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट, ठीक है, थायोनेट संकुल बनेगा। लेकिन यदि N ने अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दिया तो आइसोथायोसाइनेट बनेगा। यदि धातु आयन कठोर अम्ल का होगा तो SCN का कठोर क्षार अर्थात N परमाणु। अब देखो यहां पर एक चीज है, ये तो है मृदु, ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, और ये क्या है कठोर, ठीक है। अगर हमारे पास कठोर धातु हो मतलब हार्ड एसिड हो तब तो ये जुड़ेगा, और अगर हमारे पास मृदु प्रकार का हो तब ये जुड़ेगा, ठीक है। तो उसी को हमको देखना है, SCN का कठोर क्षार अर्थात नाइट्रोजन परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दान, इसके विपरीत यदि धातु आयन मृदु अम्ल होगा तो SCN का मृदु मतलब सल्फर अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके और बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। यही कारण है कि RH मतलब ये रोडियम NH3+SCN+2 संकुल आयन RH NH3+NCS+2 आयन की अपेक्षा कम स्थायी होता है। ये कम स्थायी है, ये ज्यादा स्थायी है, क्योंकि यहाँ पर जो रोडियम है ये कठोर प्रकार का है, तो ये किसके साथ जुड़ने को प्रायिकता देता है, नाइट्रोजन के साथ, तो ये ज्यादा स्थायी होगा क्योंकि कठोर कठोर के साथ में जुड़ा हुआ है ये और नाइट्रोजन, और ये कम स्थायी होगा क्योंकि यहाँ पर कठोर किसके साथ जुड़ा हुआ है, मृदु के साथ जुड़ा हुआ है। उभय दंतुक लिगैंड अर्थात जिसमें दोनों तरफ से बॉन्ड बनाने की संभावना हो या जिसमें एक से ज्यादा जो दाता परमाणु पाए जाते हैं उसको उभय दंतुक या एपिडियन लिगैंड बोलते हैं। उसके बाद है लवणों की विलयता की व्याख्या, लवणों की विलयता को हम किस तरीके से बता सकते हैं उसको देखिए। किसी विलायक में कोई लवण विलयशील होगा या नहीं वो भी इसके आधार पर बता सकते हैं, जो HSAB सिद्धांत है उसके आधार पर इसको बता सकते हैं। एग्जांपल के लिए मर्क्यूरिक ऑक्साइड होता है HGO, HCl में विलयशील होता है लेकिन मर्क्यूरिक सल्फाइड HCl में नहीं घुलता। अब यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि HGO जो होता है ये तो HCl के अंदर क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा, मतलब ये दोनों तो मिल जाएंगे, लेकिन जब हम HGS के बारे में बात करेंगे तो ये HCl के अंदर डिजॉल्व नहीं होगा, ठीक है। इसका कारण यह है कि HGO एक मृदु अम्ल Hg+2 और कठोर क्षार O-2 का लवण है और HCl एक कठोर अम्ल और मृदु क्षार Cl- का लवण है। इसका रीजन क्या है, HGO में ये क्या है, ये तो मृदु है और ये क्या है, ये कठोर है। यहां पर अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये कठोर है और Cl क्या है, Cl यहां पर मृदु है। तो देखो ये तो किसके साथ जाएगा, HG के साथ जाने को प्रायिकता देगा, और ये किसके साथ जाने को प्रायिकता देगा, ऑक्सीजन के साथ जाने को प्रायिकता देगा, इस वजह से जल्दी से टूट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, देखो इसकी अंतरक्रिया से HgCl2 बनता है जो मृदु अम्ल और मृदु क्षार का लवण होने से अधिक स्थायी है और अंतरक्रिया सामान्य हो जाएगी और इनका आसानी से विलयन बन जाएगा। एग्जांपल के लिए यहां पर देखो Hg तो मृदु है, ऑक्सीजन कठोर है, ये मृदु प्रकार का अम्ल है, ऑक्सीजन कठोर प्रकार का क्षार है। यहां पर हाइड्रोजन कठोर प्रकार का अम्ल है और Cl मृदु प्रकार का क्षार होता है। तो यहां पर देखो मृदु मृदु अंतरक्रिया अधिक प्रभावी है तो Hg तो किसके साथ जुड़ेगा, Cl के साथ में, और जो पीछे बच गया H2O ये हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ में। इसके विपरीत HGS में उल्टा प्रोसेस होता है, इस वजह से वो इसके साथ में घुल नहीं सकता, वो ऑलरेडी प्राप्त स्थायी है। उसके बाद हम बात करते हैं Cu+2 और Cd+2 आयनों का पृथक्करण किस प्रकार से किया जाएगा HSAB सिद्धांत के द्वारा। किसी विलयन में से Cu+2 और Cd+2 आयनों को पृथक करने के लिए
विलयन में उपस्थित केसीएन की उपस्थिति में H2S गैस को प्रवाहित किया जाता है। जो सीडी होता है ये तो S के साथ जुड़कर अवक्षेपित हो जाएगा, क्योंकि ये सीडी भी क्या है, सीडी एक प्रकार का जो मृदु प्रकार का अम्ल होता है, और जो S है ये क्या है, मृदु प्रकार का क्षार है। दोनों किसका निर्माण कर लेंगे, CDS का। जबकि Cu+2 किसके साथ जुड़ेगा, Cl के साथ में, क्योंकि Cu+2 जो है ये क्या है, ये कठोर प्रकार का है, Cl भी ये आपस में जुड़ के और यहाँ पर जो है कंपाउंड उसका निर्माण कर लेंगे। ठीक है, वस्तुतः पहले दोनों आयन Cn- आयनों से कठोर क्रिया करके साइनाइड संकुल बनाते हैं। Cu+2 आयन संकुल बनाते समय अपचयित हो जाते हैं। जैसे Cu+2 है 4Cn के साथ जुड़ेगा, CuCn4-3- का फॉर्मेशन कर देगा, और Cd+2 4Cn के साथ जुड़ेगा तो क्या बना देगा, CdCn4-2 का। Cu+2 और Cn- दोनों ही मृदु अम्ल और मृदु क्षार हैं, इसकी वजह से ये संकुल तो रहता है स्थायी, क्योंकि यहाँ पर मृदु मृदु प्रकार की अंतरक्रिया प्रभावी हो जाती है। जबकि स्थाई होता है और H2S के साथ में कोई क्रिया नहीं करेगा, क्योंकि ये खुद ही स्थाई है। जबकि जब हम बात करते हैं Cd+2 आयनों की, तो Cd+2 आयन Cn- की तुलना में H2 के साथ ज्यादा बंधुकता को प्रदर्शित करते हैं, इस वजह से CdCn4-2-, मतलब पहले तो दोनों Cn के साथ ही रिएक्शन करेंगे, उसके बाद में ये ऊपर वाला तो स्थाई रहेगा वैसा का वैसा, लेकिन जो नीचे वाला है CdCn4-2-, ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, ये सल्फाइड के साथ रिएक्शन करके अब किसका फॉर्मेशन कर लेगा, CdS का, और वहां पर उसका अवक्षेप मिल जाएगा। जैसे यहां पर दे रखा है, इसने कोई अभिक्रिया नहीं की, लेकिन ये अभिक्रिया करता है CdCn4-2H2S के साथ, अभिक्रिया करेगा 2HCN2Cn- और CdS का फॉर्मेशन कर लेगा। नेक्स्ट है सहजीविता सिंबायोसिस। सिंबायोसिस या सहजीविता क्या होती है, इसके बारे में हम यहां पर बात करते हैं। देखिए, सिंबायोसिस या सहजीविता क्या है, HSAB सिद्धांत की सहायता से सहजीवन की व्याख्या भी की जा सकती है। मतलब कोई लिगैंड कहां पर जुड़ेगा, किस प्रकार से जुड़ेगा, वहां पर जैसे कहीं पर संकुल यौगिक में ऑलरेडी मृदु लिगैंड जुड़ा हुआ है तो वहां पर दूसरा मृदु लिगैंड जुड़ने को प्रायिकता देगा, और किसी संकुल यौगिक में ऑलरेडी कठोर लिगैंड जुड़ा हुआ है तो वहां पर दूसरा कठोर लिगैंड जुड़ने को प्रायिकता देता है। तो यहां पर देखिए HSAB की सहायता से सहजीवन की व्याख्या की जा सकती है। कोई मृदु लिगैंड उस केंद्र के साथ आसानी से जुड़ेगा जहां पर ऑलरेडी मृदु लिगैंड जुड़ा हुआ हो। एग्जाम्पल के लिए आयोडाइड का देखो, यहां पर मृदु कठोर है, ये कम स्थाई है। अब यहां पर क्या जुड़ गया, एक आयोडीन और जुड़ गया, फ्लोरीन तो यहां से बाहर निकल गया, बजाय इसके आयोडीन जुड़ गया, तो ये क्या हो जाएगा, मृदु मृदु प्रकार का। मतलब ये पूरा का पूरा क्या था, ये पूरा का पूरा सॉफ्ट था, और ये अकेला क्या था, हार्ड था, तो ये तो कम स्थाई हो गया। जबकि जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो ये पूरा का पूरा क्या है, सॉफ्ट है, और ये भी क्या है, सॉफ्ट है, तो ये ज्यादा स्थाई हो जाएगा। इसको बोलते हैं सहजीवन, अर्थात अपने जैसा पहला लिगैंड अगर वहां पर जुड़ा हुआ है तो उसके साथ दूसरा उसी के जैसा लिगैंड जुड़ने को प्रायिकता देता है। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर ये तो सारा का सारा कठोर है, ये सारा का सारा क्या है, हार्ड, और ये सारा का सारा क्या है, सॉफ्ट। यहां पर अगर हम बात करें, ये पूरा का पूरा हार्ड हो गया, और ये भी पूरा का पूरा क्या है, हार्ड। तो इसी प्रकार एक कठोर लिगैंड उसके अंदर के साथ जुड़ेगा जहां पहले से, मतलब मृदु लिगैंड वहीं पर जुड़ने को प्रायिकता ज्यादा देता है जहां पर पहले से मृदु लिगैंड पाया जाता हो, और कठोर लिगैंड वहां पर जुड़ने को प्रायिकता अधिक देता है जहां पर पहले से कठोर लिगैंड पाया जाता हो। इसको सहजीवन कहते हैं, और इसको HSAB सिद्धांत के द्वारा समझाया जा सकता है, क्योंकि यही सिद्धांत बताता है कि कठोर कठोर या मृदु मृदु प्रकार की अंतरक्रिया ज्यादा प्रभावी होती है। नेक्स्ट देखिए, हैलोजन विनिमय अभिक्रिया। HSAB नियम की सहायता से जो हैलोजन विनिमय अभिक्रिया है उनके बारे में बात की जा सकती है। देखो कैसे, HSAB नियम की सहायता से हैलोजन विनिमय अभिक्रियाओं के बारे में बता सकते हैं। एल्किल हैलाइड में हैलोजन विनिमय की क्रिया किस प्रकार से संपन्न होगी, इसके आधार पर बताया जा सकता है। जैसे एल्किल क्लोराइड से एल्किल आयोडाइड बनाना हो, अर्थात एक मृदु क्षार को प्रवेशित करवाना हो, तो NaA के साथ अभिक्रिया करवानी चाहिए। कैसे, देखो ये कठोर मृदु है, ये कठोर है, ये मृदु है, तो आपस में रिएक्शन करेंगे तो ये वाला इसके साथ चला जाएगा, और ये भी कठोर है, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, तो यहां पर ये क्या हो गया, कठोर कठोर प्रकार की अंतरक्रिया प्रभावी होगी। इसी प्रकार यदि एल्किल आयोडाइड से एल्किल फ्लोराइड बनाना हो, अर्थात एक कठोर क्षार को प्रवेशित करवाना हो, तो मृदु कठोर के साथ अभिक्रिया करवानी चाहिए।
ये क्या है, ये सॉफ्ट है, ये क्या है, ये हार्ड है। तो अब ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, हार्ड हार्ड के साथ में जाना चाहेगा, ये मृदु इसके साथ आना चाहेगा, तो ये इसके साथ आ जाएगा, इसको बाहर निकाल देगा और क्या बना देगा, RF plus AgI। तो ये क्या होता है, मृदु मृदु सॉफ्ट सॉफ्ट इंट्रेक्शन, RF का फॉर्मेशन। तो किस प्रकार से कौन किसके साथ अभिक्रिया करके किसको बदलेगा, वो भी HSAB सिद्धांत के आधार पर बताया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए अगला, अभिक्रिया की दिशा का निर्धारण और इन सब चीजों के बारे में भी हम HSAB सिद्धांत के आधार पर बता सकते हैं। उसके बाद है परिवर्ती संयुक्तता वाले धातुओं की कठोरता। परिवर्ती का मतलब है इस प्रकार के ज्यादातर धातु ही होते हैं ये, इस प्रकार के तत्व जिनकी ऑक्सीकरण अवस्था बदलती रहती है। जैसे कभी किसी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था +2 होगी, फिर उसी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था +3 +4 इस तरीके से बदलती रहती है, उसको परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं। इनकी कठोरता उनकी ऑक्सीकरण अवस्था पर निर्भर करती है। एग्जाम्पल के लिए शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में Ni प्लस मृदु है, मतलब शून्य ऑक्सीकरण अवस्था है, Ni है अकेला, तो Ni यहां पर तो क्या होगा, Ni खुद तो क्या है, मृदु है। जबकि जब हम बात करते हैं Ni सेकंड, तो Ni सेकंड तो सीमावर्ती हो जाएगा, मतलब ना ये मृदु है ना ये कठोर है। और जब Ni प्लस 4 हो जाएगा तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा कठोर। तो मतलब कुछ धातुएं ऐसी हैं जो समय के साथ साथ अपनी मृदुता या कठोरता को बदल लेती हैं, अर्थात किसी भी तत्व के लिए वो हमेशा कठोर रहेगा या हमेशा मृदु रहेगा, ये हम फाइनली कह सकते हैं, खास करके परिवर्तन जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं परिवर्तनशील होती हैं उनके आधार पर। Ni मृदु है, Ni सेकंड मतलब +2 सीमावर्ती है, जबकि Ni 4 कठोर होता है। उसके बाद अभिक्रिया की दिशा का निर्धारण, की अभिक्रिया किस प्रकार से होगी उसका भी इसी के आधार पर निर्धारण किया जा सकता है। जैसे H+CH3HgOH H2 और CH3Hg का निर्माण हुआ, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि ये तो क्या है, ये हार्ड एसिड है, कठोर है, ये पूरा का पूरा क्या है, सॉफ्ट है, सॉफ्ट बेस है। तो अब क्या होगा, ये सॉफ्ट है पूरा, ठीक है, ये कंप्लीट सॉफ्ट है और ये यहाँ पर हार्ड बेस है, तो ये हार्ड बेस इस हार्ड एसिड के साथ उनके H2O का निर्माण कर देगा और CH3Hg को प्लस बाहर निकाल देगा, इसका मतलब अभिक्रिया इस दिशा में आगे बढ़ेगी। तो इसी तरीके से हम दूसरी अभिक्रिया का एग्जांपल भी यहां पर कर सकते हैं। उसके बाद जल अपघटन किसी का होगा या नहीं होगा, किस प्रकार से होगा, उसको भी हम इसी के आधार पर बता सकते हैं। देखिए कैसे, किसी पदार्थ का जल अपघटन होगा अथवा नहीं होगा, इस बात का अनुमान भी HSAB सिद्धांत के द्वारा लगाया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए LIF और LII में LI का जल अपघटन आसानी से हो जाता है, जबकि LIF का नहीं हो सकता। कारण अब यहां पर यह बताया गया है कि LII का अपघटन तो आसानी से हो जाएगा, जबकि LIF का जो अपघटन है ये आसानी से नहीं होगा। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि ये दोनों कठोर कठोर है, ये भी हार्ड है, ये भी हार्ड है, तो ये इनका संकुल ज्यादा स्थायी होगा, जबकि यहां पर ये हार्ड है और ये क्या है, सॉफ्ट है, तो इसका संकुल अस्थायी हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज यहां पर बता रखी है, LII कठोर मृदु है, अस्थायी प्रकार का, H2O के साथ अभिक्रिया करके LIOH और HI का निर्माण कर देगा, जबकि LIF और H2O दोनों में से ये कठोर कठोर प्रकार का है, H2O के साथ में कोई अभिक्रिया करेगा ही नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस सिद्धांत की सीमाओं के बारे में, कि इस सिद्धांत की सीमाएं कौन कौन सी हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए रासायनिक अभिक्रियाओं और कई पदार्थों की प्रकृति की व्याख्या करने के बाद भी इसकी कुछ सीमाएं हैं। सबसे पहले यह कोई मात्रात्मक पैमाना उपलब्ध नहीं करवाता कि कोई कितना कठोर या कितना मृदु हो सकता है। दूसरा, किसी भी प्रकरण को समझाने के लिए यौगिकों को, अब अगर हम HSAB सिद्धांत के बारे में बात करें तो इसमें केवल एक ही तरीका है किसी भी चीज को समझाने का, कि हम उसके अंदर जो अभिकारक या उत्पाद हैं उन सभी अभिकारकों या उत्पादों को अम्ल या क्षार में बांट दें, तब तो हम HSAB सिद्धांत को लागू कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उनको अम्ल या क्षार में नहीं बांटेंगे तो HSAB सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, इस सिद्धांत में हम यह मानते हैं कि किसी अम्ल या क्षार की कठोरता और मृदुता उसकी सामर्थ्य पर निर्भर नहीं करती। हम बार बार यही कह रहे हैं कि कठोरता और मृदुता अलग चीज है और सामर्थ्य अलग चीज है, लेकिन कई बार किसी हार्ड एसिड की या हार्ड बेस की कठोरता और मृदुता उसकी सामर्थ्य को भी प्रभावित करती है, तो उसका यह व्याख्या नहीं कर सकता। उसके बाद CH3+ एक मृदु प्रकार का अम्ल है, जबकि H- एक मृदु प्रकार का क्षार है, तो इससे ये होना चाहिए कि ये मृदु है, ये मृदु है, ये भी क्या है, मृदु है, सॉफ्ट है, और ये भी क्या है, सॉफ्ट है, इन दोनों की आपस में अभिक्रिया होनी चाहिए, लेकिन वास्तविकता में ऐसी अभिक्रिया संपन्न नहीं होती। तो 3-4 इसकी कुछ सीमाएं हैं, क्वेश्चन भी आता है इसके ऊपर, 2014-2016 में इसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसको आप ध्यान से देखिए। तो हम
यहां पर ये बता रहे हैं कि एचएसए भी एक सिद्धांत ऐसा है जो कि प्रायोगिक तथ्यों पर आधारित है, मतलब प्रैक्टिकल द्वारा इसको समझाया जा सकता है। कुछ चीजें यहां पर जो चीजें इसके साथ में सेट नहीं बैठती सिद्धांत के द्वारा, उसको हम दूसरे सिद्धांतों के द्वारा समझा सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि एचएसएबी सिद्धांत एक गलत है। एचएसएबी सिद्धांत बहुत प्रकार की चीजों को समझाने में सफल है, लेकिन कुछ चीजें, क्योंकि आप ये जानते हैं यहाँ पर बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं, अपवाद होते हैं, उनको एचएसएबी सिद्धांत के अलावा किसी और सिद्धांत से समझाया जा सकता है। तो आज हमने यहाँ पर एचएसएबी सिद्धांत को कंप्लीट किया, ये यूनिट आपकी फिनिश हो गई। इसमें एक सिलिकॉन और फॉस्जिन बचा हुआ है जिसको आपको अपने लेवल पर करना स्टार्ट करना है, और कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कॉल करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे बीएससी फाइनल ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इससे पहले हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 3 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 3 यूनिट कंप्लीट करेंगे और उसके बाद इस तरीके से हमारे सिलेबस को हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इन वीडियोस को देखते रहें, यहाँ तक किसी को कोई भी प्रकार का इशू हो तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।